बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। पहले पिज़्ज़े की डो बना लेंगे। उसके लिए चाहिए 3 कप मैदा चाहिए, दूध चाहिए, 2 चम्मच चीनी है, खमीरा, ईस्ट जिसको कहते हैं, दही है, नमक और ये बेकिंग पाउडर, कुकिंग ऑयल और पानी अपने हिसाब से। पहले डो बना लेते हैं। ये 3 कप मैदे के जाएंगे इसमें। पहले इसमें सारी ड्राई चीज़ें जाएंगी, नमक, बेकिंग पाउडर, ईस्ट का 1 चम्मच, चीनी। पहले इनको मिक्स कर लेंगे। पहले ड्राई चीज़ें सारी मिक्स कर लें, फिर इसमें लिक्विड चीज़ें डालेंगे। इसमें सारा कप ऑयल का नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऑयल चला गया, अब इसमें जाएगा दही। ये तकरीबन 1 कप ही दही का बनता है। दही से जो आटे की ये डो जो इसकी पिज़्ज़े की, ये सर सॉफ्ट बनती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। नीम गर्म दूध हो या रूम टेम्परेचर पे वो भी चल जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, पानी भी नीम गर्म हो या रूम टेम्परेचर पे बड़ा हो भी सही, ठंडा पानी नहीं डालना। जो दूध था वो बाकी जो थोड़ा थोड़ा डाल के वो गूंथते जाए हाथों से मल मल के। इसको अच्छी तरह भून के इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ी 1 घंटे के लिए छोड़ दें इसको। इसको ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दें, इसको ढांप के रख दें। इसको 1 घंटे के लिए पड़ा लेंगे। पिज़्ज़े की डो ने बना के रखती है, उसको 1 घंटा लगेगा। उतनी देर हम चिकन और उसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए बोनलेस चिकन चाहिए, आप अपने हिसाब से ज़्यादा ले लें कम ले लें। शिमला मिर्च चाहिए, चिली सॉस चाहिए और ये पिज़्ज़ा सॉस है, सोया सॉस है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया और ये मिक्स हर्ब है, ये मोज़रेला चीज़ है। चले उतनी देर चिकन काट लें, फिर मिलते हैं आपसे। चिकन को बोनलेस को काट लें छोटा छोटा स्लाइस में, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया ये डाल दें इसमें। सोया सॉस 1 चम्मच जाएगा इसमें, ये चिली सॉस जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें
इसी में एक चम्मच ऑयल डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट पड़ा रहने दें, फिर इसको फ्राई पैन में बना लेंगे। आप चाहें तो तिक्का मसाला भी डाल सकती हैं, अगर नहीं तो घर बनी कोई भी नमक अपने हिसाब से, कोई अगर तिक्का मसाला पसंद है तो वो डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को पका लेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर हमने डाल दिया था। थोड़ी देर ढाम के रख दो। चिकन हो गया, चिकन पे इतनी देर नहीं लगती गलने में। चूल्हा बंद, सब्जियां काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा देख लें, एक हो गया, डबल हो गया तकरीबन। इसको एक दफ़ा फिर इकट्ठा कर लें, उसके बाद इसको आप अपने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से इसके कर लें। पिज़्ज़ा पैन को लगा लें, ऑयल लगा लें। अगर आपको मोटा पसंद है तो इसके दो ही, इसमें दो बनेंगे। अगर थोड़ा सा पतला चाहिए तो फिर तीन निकल आएंगे। इसको सेट करके ट्रे में फिर मत दिखा दें। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फिला देना। एक मैंने फिला लिया, ये और एक ये, तीन साइज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फिला लिया आटा सारा। मेरे पास तीन साइज के थे, मैंने तीनों में बना लिया। उसको फोक से ऐसे इस पे डालेंगे ये पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस नहीं, आप केचप लगा लें। आपको कम पसंद है कम लगा लें, ज्यादा पसंद है ज्यादा लगा लें। थोड़े से हर्ब डालेंगे, अब इसमें ये चीज जाएगी, मोज़रेला चीज जाएगी।
कम ज्यादा वो अपने हिसाब से डाल लो। ओवन को प्री हीट कर ले। इसमें चिकन जाएगा, जो आपने चिकन टिक्का बनाया था वो डालें। फ्लेवर अपने हिसाब से दे लें, अगर कुछ और पसंद है वो डाल लें ऊपर। बच्चे खाली चीज पिज्जा भी खा लेते हैं, उनको वो पसंद आते हैं, ऊपर ये चीजें नहीं पसंद। अब सब्जियां डालो। चलिए सब्जियां डाल लें, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ज्यादा पसंद है ज्यादा डाल लें, प्याज थोड़ा सा डाल लें। चलें अब इसको ओवन में रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ये हो जाता है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया बेक, ये देखिए नीचे से पक गया, ऊपर से भी हो गया, इसको काट दें। हमारा बड़ा अच्छा बेक हो गया, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे पेज को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।